अच्छा, लोग बोलते हैं कि डॉक्टर वसीम आप बहुत कहते हैं अल्लाह का बनाया हुआ फैट बहुत अच्छा है, अल्लाह का बनाया हुआ फैट बहुत अच्छा है, तो कार्ब्स भी तो अल्लाह ने बनाया है, फिर आप क्यों कहते हैं कि कार्ब्स कम कर दो? देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस आती है, ठीक है ना। कार्ब्स को स्टोर करने के जो टैंक्स है ना बॉडी में, अल्लाह ताला ने जो बनाए हैं वो बड़े महदूद हैं, और जो न्यूट्रिएंट जिसको स्टोर बॉडी ज़्यादा नहीं कर सकती, फैट तो देखे कार्ब्स कन्वर्ट हो जाता है, फैट की तरफ जाता है, और वो पहले कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो आपके स्टोर होते हैं, जो कि तकरीबन आप कह लो 300-350 मसल में स्टोर होता है ग्राम्स, और 150 आपके लिवर में। तो जो हमारी रोटी चावल की जो तरतीब है ना, इसके ज़रिए हमारे वो टैंक फ़ौरन ही भरे जाते हैं और उसके बाद मज़ीद कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं फैट्स में। तो एक वजह ये हो गई कि उनकी स्टोरेज बड़ी कम है। दूसरा, फूड का हार्मोनल इफेक्ट होता है। अगर मैं देसी घी के 3 चम्मच पी लूँगा, इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगी। अगर मैं उसकी जगह कोई फ्रूट्स खा लूँगा या रोटी खा लूँगा, ठीक है, सेम कैलोरीज में, तो इंसुलिन स्पाइक करेगी। और जैसे कि हम बात करते हैं कि इंसुलिन की वजह से ही, इंसुलिन के गलत का सही काम ना करने की वजह से ही ये सारी बीमारियाँ होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे ठीक करोगे? और जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें इंसुलिन सही काम नहीं कर रही होती, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड हुआ होता है, यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट वाला जो मेटाबॉलिज्म है ना वो सही काम ही नहीं कर रहा होता। तो इस वजह से साइंस की रोशनी में हमें ये चीज़ पता चली है कि ये जो फूड का जो सिर्फ कैलरीज इन कैलरीज आउट के कितनी कैलरीज खाई, सिर्फ यहाँ तक नहीं है, जो फूड आप खा रहे हैं उसका हार्मोनल इफेक्ट कितना है, वो इंसुलिन को कैसे इफेक्ट करेगी, ये चीज़ भी आपने देखनी होती है। और अगर हम ये देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से इंसुलिन को बढ़ावा देते हैं खून में, तो हमें समझ लग जाएगा कि क्यों इसके ऊपर बंद नहीं करना। याद रखें, कोई भी चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लेनी आपने। जब आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाएगी, लेट्स से आपका इंसुलिन 20-2 पे आ गया, उसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, लेकिन जो न्यूट्रिएंट काम ही नहीं कर रहा जिस्म में, उसको आप खुराक में क्यों रखोगे ज़्यादा मकदार में? कॉमन सेंस वाली बात है, सीधी सीधी सी बात है, आई होप कि आप लोगों को समझ लग गई होगी। अच्छा, अब डॉक्टर वसीम, आप लोगों को जो बातें बताते हैं वो उसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जैसे सर, आपकी मदर को स्टेज 4 ब्रेस्ट कार्सिनोमा था और आपने उनको डाइट से ही ठीक किया, तो मतलब कैसे आपने इतनी बड़ी डिजीज़, कैंसर जैसी डिजीज़ को डाइट से ठीक किया? शिफा अल्लाह पाक देता है। हमें सिर्फ ना, वो मुझे एक बुक भी दी गई थी कि कैंसर एज अ मेटाबॉलिक डिजीज़ ना, तो मैं वो भी देख साथ फिर मेरा ये मानना था कि अम्मी ने डायबिटीज़ का ख्याल नहीं रखा, और डायबिटीज़ की ही मैनिफेस्टेशन आगे जाके डायबिटीज़ कन्वर्ट हुई है कैंसर की तरफ ना। तो हमने मेनली जो था वो डायबिटीज़ को ट्रीट किया। हमने फास्टिंग की, हमने लो कार्ब न्यूट्रिशन की डोसेज में रहे, वाइटमिन को पूरा किया, तो उसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी के ट्यूमर मार्कर्स भी नीचे आते गए, और सबसे बड़ी बात जो अम्मी की क्वालिटी ऑफ लाइफ थी अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर हो गई। तो ये जो मेरे अपने घर में जो मेरे साथ ये जो अल्लाह ताला ने किया वो यही था कि मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए और मैं ज़्यादा ओपनली लोगों तक ये मैसेज स्प्रेड कर सकूँ कि बाहर के ममालिक में जो ये बातें हो रही है ना कि कैंसर को भी खुराक के साथ लिंक किया जा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ लिंक किया जा रहा है, तो वो गलत बात नहीं है। बहुत सारे कैंसर्स ओबेसिटी के साथ लिंक्ड है, तो इसका मतलब है कि अगर ओबेसिटी के साथ लिंक है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ लिंक्ड है। तो जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो इसके ऊपर ख़ुद से भी तहकीक कर सकते हैं कि ये जो बहुत सारे कैंसर, अगर उसमें हम फास्टिंग या लो कार्ब या न्यूट्रिशनल कीटोसिस में जाएंगे तो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कैंसर की वो बड़ी अच्छी तरीके से हो सकती है। ठीक है, अब आपकी जो एक बेसिक और मेजर पहचान है वो तो बॉडी बिल्डिंग है, तो आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ कैसे आए, कितना अर्सा हो गया आपको बॉडी बिल्डिंग में? बॉडी बिल्डिंग में तो मैं थर्ड ईयर में था, सेकेंड या थर्ड ईयर में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी मैंने। वही जो होता है कि थोड़े बहुत बाइसेप्स शाइसेप्स बनाने थे, थोड़े से बॉडी को शेप में लेके आना था। मैंने ना बहुत क्रैश डाइटिंग की थी और उसकी वजह से ना मतलब बस फाके किए थे, जिसकी वजह से मेरी स्किन लटक गई थी और वो स्किनी फैट टाइप की ना एक बॉडी बन गई थी जो मुझे बिल्कुल भी, और ऊपर से मैं वीक इतना ज़्यादा हो गया था कि मतलब मैंने तो ठीक है दिखने में वो एक बंदा स्मार्ट लगता है, लेकिन जब आप शर्टलेस देख रहे हो तो अपने आप को, तो आपकी स्किन लूज होती है और इस तरह से मतलब आप स्ट्रेंथ नहीं फील कर रहे होते। तो मैंने उसी तरह स्टार्ट किया कि थोड़ी स्ट्रेंथ बिल्ट हो जाए थोड़े। तो मैंने जब वो स्टार्ट किया, साथ मेरे दोस्त भी थे जिन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, तो करते 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 आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रेंथ भी आनी शुरू हो गई और जो एक फिजिक जो मैं चाह रहा था ना वो मुझे चेंज नज़र आना शुरू हो गया। तो एक दफ़ा ना बॉडी बिल्डिंग में जब आपको चेंज नज़र आ जाए अपने अंदर, रिजल्ट्स नज़र आ जाए, फिर आप रुकने का नाम लेते, इंटरनल मोटिवेशन इस हद तक बढ़ जाती है। तो बस फिर सिलसिला चलता रहा और बस फिर डाइट
डिफरेंट डाइट्स की, कीटो की, एटकिंस डाइट की, इसी तरह से फ्लेक्सिबल डाइटिंग भी की, बड़ा कुछ जो जो चीज़ें मैं जो मुझे पता चलती गई वो मैं करता गया। और बस फिर बाद में कब ये जो है पैशन मेरा प्रोफेशन की तरफ शिफ्ट हो गया, तो बस ये सारी चीज़ें थी थर्ड ईयर में मैंने स्टार्ट की थी। तो आपका कोई रोल मॉडल रह चुका हो बॉडी बिल्डर? अब आप तो खैर लोगों के रोल मॉडल हैं, तो आपका कोई रोल मॉडल तो उसका बताइए। हमारा तो हमारे दौर में तो एक ही था, आर्नल्ड। उनको क्या कहते हैं अपना, अभी भी मतलब वो बड़े फिट है, अभी भी वो एक्सरसाइज करते हैं। तो जो ज़्यादा इंस्पायर किया था वो उन्हीं की फिजीक ने किया था ना, कि एक मतलब उस एज मेरा एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होना, स्ट्रांग होना, एक अच्छा बड़ी सी फिजीक होना, मुझे मतलब मेरी पर्सनल जो चॉइस ये थी ना कि मैं मतलब मेरी जो अपनी ख्वाहिश थी जिस तरह की फिजीक मैं चाहता था वो ये हो कि ज़रा जाइगेंटिक किसी किस्म की फिजीक हो, ज़रा बड़ी फिजीक हो ना। तो इस वजह से आर्नल्ड से तो बेहतरीन और कोई हमारे लिए इंस्पिरेशन उस वक्त थी भी नहीं। फिर एजाज सर थे, पेशावर से है वो, साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है। अमजद, ये सारे लोग थे जिनको मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब आंखों से देखा कि अच्छा एक इंसान ऐसा भी दिख सकता है, इतना वेट भी लिफ्ट कर सकता है, इतना स्ट्रांग भी हो सकता है, तो एक अलग साइड थी बिल्कुल। तो इन लोगों ने बड़ा इंस्पायर किया और अल्हम्दुलिल्लाह बस वो फिर इंस्पिरेशन चलती रही। और अब मेरी वीडियोस के ज़रिए बहुत सारे जो नौजवान हैं वो जिम ज्वाइन करते हैं, वो लोग जिनको ऐसा लगता है कि जिनकी हाइट रुक जाएगी, उन लोगों को ये गलतफहमी दूर हो चुकी है। जितनी भी ये मिथ्स है इनके ऊपर हम बार बार वीडियोज़ बना चुके हैं कि वो एज सही जो ग्रोइंग एज है, जो एज है ना जिम ज्वाइन करने की, वो टीन एज है। इसमें आपके हार्मोन्स बिल्कुल प्रॉपर एक लेवल पे होते हैं और यहाँ अगर कोई बंदा अपना अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज करेगा, डाइट करेगा, तो उसको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। काफ़ी प्रोफेशनल क्वेश्चंस हमने आपसे पूछ लिए। अब आपके ना फेसबुक पेज पे देखो, इंस्टाग्राम पर देखो, वासिफ साहब की बहुत पोस्ट होती हैं, तो ये वासिफ साहब को फॉलो आप करते हैं बहुत ज़्यादा, कि जो रूहानियत वाली साइड है, तो इसके पीछे क्या वजह है? बस देखें, जैसे ज़िंदगी गुजरती है ना, तो हमें छोटी उम्र से ना ये बताया जाता है कि बस कामयाब हो जाओ, मशहूर हो जाओ, पैसा आ जाए, तो बस यही सब कुछ है। फिर अल्लाह ताला करम करता है और आप देखते हो कि आपका रोज़गार में अल्लाह बरकत डालता है और आपको हर वो चीज़ जो आपने चाही होती है, दुनियावी ख्वाहिशात जितनी भी आपकी होती है, वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला, तो फिर लेकिन उसके बावजूद भी जो सुकून कल्ब है वो मैसर नहीं होता ना। आप देख रहे होते हो कि कहाँ पर मतलब ये क्यों ऐसा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी मतलब वो इत्मीनान नहीं है सुकून, तो वहीं पे फिर आपको पता चलता है कि आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके दीन में जो चीज़ आपको सिखाई जाती है, कि आपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना है। और ये हर इंसान का मुख्तलिफ इनफरादी मतलब आपका ताल्लुक अल्लाह से मुख्तलिफ है, मेरा मुख्तलिफ है, हर दूसरे इंसान का, तो उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना, उसमें जब तक आपके पास उस्ताद नहीं होंगे, ऐसे लोग नहीं होंगे जो अल्लाह के बड़े महबूब हैं, अल्लाह के करीब हैं, तो बड़ा मसला बन जाता है। क्योंकि दुनिया है, दुनियादारी है, दुनियावी मामलात होते हैं, तो उसमें कहीं आपका जो वो जो बातें है ना, वो जो अंदर वाली साइड है, वो कहीं पीछे रह जाती है। आप ऊपर से एक्सटर्नली तो बॉडी को बिल्ड कर रहे होते हो, दिखा रहे होते हो, संवार रहे होते हो, बट इंटरनली जो है ना वो आपकी बॉडी बिल्डिंग नहीं हो रही होती। और इंटरनल बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको एक ऐसा उस्ताद चाहिए होता है कि जो आपको जिसकी जो बात भी हो उसको आप ना सिर्फ सुनो बल्कि उस पर अमल करने की कोशिश करो। हमारा हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ने कब तो ये जुमला मैं बता दूँ कि इस्लाम जो है ना वो बोलने की बात नहीं है, करने का काम है, करने का अमल है, यानी कि सिर्फ इल्म नहीं है, अमल है। तो जब आप ऐसा एक उस्ताद आपकी ज़िंदगी में आता है, हज़रत वासिफ ये कहते हैं कि कहीं बेउस्तादे ना रह जाना, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे जो बेउस्तादे इस वक्त मुआशरे में फिर रहे, वो ना उनको सवालों के जवाब मिलते हैं, ना उनको इत्मीनान मिलता है, ना उनको खुशी मिलती है। जब तक आपको खुद खुशी नहीं मिलेगी, आप दूसरे को कैसे खुश करोगे? और खुशी हालात का नाम नहीं है कि आपके हालात ऐसे होंगे तो मैं खुश हो जाऊँगा। एक जगह पर एक इंसान जो है वो हज़रत वासिफ से सवाल करता है रहमतुल्लाह अलैह से कि मतलब वो खुश नहीं है ना, मतलब काफ़ी परेशान थे, तो आगे से कहते हैं कि तुम्हें कितने पैसे मिल जाए तो तुम खुश हो जाओगे? तो उसने कहा कि 10 करोड़ मिल जाए तो खुश हो ही जाऊँगा। तो हज़रत वासिफ ने जो जवाब देने का, यानी कि तुम कभी खुश नहीं होगे, यानी कि तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी, यानी कि अगर तुमने क्राइटेरिया ही पैसे को रख दिया है कि जब तक मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे मैं खुश नहीं हूँ, या इतने पैसे मुझे मिल जाएं तो मैं खुश हो जाऊँगा, और अगर वो पैसे ना मिले तो पूरी ज़िंदगी तुम नाशुक्री करके और नाखुश रह के गुजार दोगे। तो जो इंसान ये कहता है ना कि वो कल खुश होगा, वो कभी खुश नहीं होगा। तो हज़रत वासिफ की जो एक जो अहमियत है मेरी ज़िंदगी में वो यही है कि वो एक कम्फर्टर का काम करते हैं,
वो उनका चेहरा, इंसान है ना, हद क्रॉस करता है, तो जब आपके सामने एक ऐसा उस्ताद हो, उनकी बातें हो, तो वो आपको रोकती है हद क्रॉस करने से और ज़रूरी चीज़ों पे फोकस करने की तरफ आपको लेके आती है कि ये फ़ानी दुनिया है, कुछ ही अरसे में हमने ख़त्म हो जाना है, इतने लोग आए और चले गए, कोई एक इंसान जो है वो मौत का मुकाबला नहीं कर सका, तो फिर आपके पास सिवाय तस्लीम की ओर रहता क्या है, और उस ज़िंदगी की तरफ फोकस करो जो कि हमेशा रहने वाली है। तो हज़रत वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने जो एक इल्म जो उनसे जो चीज़ मुझ तक आई है और जो मैं अपने पेज के ज़रिए लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, वो है आखिरत की फ़िक्र, के एक ये जो आखिरत की फ़िक्र है ना, ये आपको दूसरी हर फिक्र से आज़ाद कर देती है। तो इनकी मौजूदगी, इनका आना भी मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ डॉक्टर नादिर अली और डॉक्टर जेसन के कंटेंट के ज़रिए डायबिटिक पेशेंट्स का फ़ायदा हुआ, तो वहीं पे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का जो मैसेज है, जो मिशन है, वो यही है कि लोगों में वो बातें आम की जाएँ जो ज़्यादा ज़रूरी है। मखलूक की खिदमत के बग़ैर आप अल्लाह तक नहीं पहुँच सकते, और ये बात इतनी क्लियर है ना हमारे दीन के मुताबिक कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। सुभान अल्लाह। डॉक्टर वसीम, अब जाते जाते बस आखिर में लोगों को एक एडवाइस देना चाहेंगे कैसे वो अपने लाइफस्टाइल्स को चेंज करें, और उन डॉक्टर्स को जो अभी भी डाइटरी डिजीज़ को दवाइयों से ठीक कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले तो इरादा तो करें ना, यकीन तो क्रिएट करें ना कि बेहतरी हो जाएगी। मसला ये नहीं है कि लोग जो है वो करना नहीं, मतलब ये नहीं कि लोगों के पास प्लान्स नहीं है, लोग समझते हैं कि जैसे हो नहीं सकता, शायद बीमारी इस सतह पे चली गई है, या पिछले कितने सालों से लोगों ने शुगर के मरीजों को बीमार होते देखा है, तो इस वजह से वो यकीन उनका कम हो गया। हमारा काम, मेरा काम, बाकी डॉक्टर्स का काम ये है कि वो पेशेंट्स को ये यकीन दिलाएं कि जो ग़िज़ाई बीमारी है उसको अगर आप जब ग़िज़ा के ज़रिए ठीक कर लेंगे, और ऐसा फ्लेक्सिबल मज़े का उनको ज़ायकेदार डाइट प्लान दें जिसको वो फॉलो कर सके, जिसको वो इन्जॉय कर सके, तो अल्लाह मेहरबान है, वो इंसान जो अमल करेगा उसको अल्लाह ताला रिजल्ट्स दे देगा। तो यकीन सबसे पहले आपने बिल्ड करना है कि इरादा पूरा कि मैं अपनी डायबिटीज़ को शिकस्त दूंगा और मैं मेहनत करूंगा, और बाकी शिफा अल्लाह ने देनी है, वो मेहरबान है, उसको हर मेहनती बामल शख्स पसंद है। तो जो इंसान मेहनती होगा, जो इंसान अपनी डाइट, अपनी भूख को तर्क करेगा, अपने मशक्क़त करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो सेहत उसके इंतज़ार में खड़ी है, लेकिन सिर्फ अमल का वेट कर रही है। तो जैसे जैसे ये लोग अप्लाई करना शुरू करेंगे ना, अमली तौर पे लोग नज़र आएंगे, जो हर घर में अगर एक्सरसाइज करने वाले, डाइट करने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाए तो पूरा का पूरा कुंबा, पूरा का पूरा घर बेहतर हो जाएगा। तो ये इतना मुश्किल काम है नहीं जितना नज़र आ रहा है, सिर्फ इरादे की बात है, कोशिश की बात है। थैंक यू सो मच डॉक्टर वसीम, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। आप लोगों ने भी आज डॉक्टर वसीम का एक बिल्कुल डिफरेंट फेस देखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताएं और किस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं आप हमसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे और डॉक्टर वसीम को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।